पर्वतों के बीच में सजा था गढ़ रणथंभौर, जहां विराजमान था अग्निकुल का सिरामोर। हटी था स्वाभिमानी था, वचन के लिए प्राण त्याग दे ऐसा वीर बलिदानी था, ऐसा वीर बलिदानी था। यह वही गढ़ था जिसने खिलजी तक को हराया था। शायद इसीलिए आज खिलजी सेनानी मोहम्मद शाह चौहान से शरण मांगने आया था। शरण दी चौहान ने, बात अगर दिल्ली तक जाए। मृत्यु का भय मुझे नहीं, पर हुई अगर कुछ ऊंच नीच तो पश्चात मेरे इस प्रजा पर प्रलय ना आ जाए। शरण दो राणा मुझको, हर युद्ध में आपके साथ हुंकार भरूंगा। जीवन के अंतिम क्षण तक रणथंभौर के लिए मरूंगा। पैगाम दिल्ली से आया था, हम पहले भी टकराए हैं, इस बार युद्ध बड़ा भीषण होगा। रक्त की नदियां गढ़ से निकलेंगी, लावा अंबर से बरसेगा, यह गढ़ राजा को तरसेगा। हम पहले भी टकराए हैं, युद्ध इस बार बड़ा भीषण होगा। दिल्ली जाकर खिलजी से कहना, वचन दिए जो चौहान ने वो आज तक ना टूटे हैं। ये राजपूतों के शीश हैं, सिर्फ आदर्शों के लिए झुके हैं। गढ़ दिल्ली ने घेर लिया, आरंभ हुआ महामरण। गढ़ से आते तीरों के वेग दिखाई देते थे, इधर उधर पड़े खिलजी सेना की लाशों के ढेर दिखाई देते थे। ध्वस्त हुआ पहले भी, इस बार दिल्ली जाकर क्या मुख दिखलाऊंगा। युद्ध करूं या संधि, ऐसे दिल्ली ना जाऊंगा। संधि का पैगाम गया, मोहम्मद शाह और स्वर्ण मुद्राएं हमें दो, मैं तुझको माफ करूंगा। तू रह खुश अपने गढ़ में, मैं दिल्ली प्रस्थान करूंगा। क्षत्रिय धर्म की रीत है ऐसी, शत्रु भी मांगे शरण, उसकी भी रक्षा करते हैं। हम योद्धा रणमत वाले हैं, हम वचनों के लिए जीते हैं, हम वचनों पर ही मरते हैं। जीत राणा की निश्चित थी, गढ़ की हर दीवार सुरक्षित थी। सेनापति ने गद्दारी कर गढ़ के द्वार खुलवाए थे। राजा बनने के खातिर अनेकों बार घर के भेदियों ने ही अपने गढ़ ढाए थे। यह योद्धाओं का जीवन है, यहां जय पराजय की प्रवाह किए बिना रण होते हैं। जब चरित्र देवी माँ जैसे पवित्र होते हैं, तब इन देवलोक से स्थानों पर जोहर होते हैं।